नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। मैं यही पूछ लूं सवाल क्या, कितने लोगों ने मूत्र विसर्जन किया है दीवार देखकर रोड पर? हाथ पर करो सर, आप भी ये सारे बंदे लोग, आप भी तो कहना था, बताइए ये जो बदमाश लोग हमारे भाई लोग हैं जो मूत्र विसर्जन करते हैं, कभी पेड़ को देखकर, कभी दीवार को देखकर, कभी खेत को देखकर, उनको आप क्या बोलना चाहती हैं? वर्जित है, वर्जित है, वर्जित है। Like I told Siddharth, I was dating one guy. हम लोग जब भी बाहर पार्टी करने जाते थे, each time we would go out partying. तो निकलने के बाद गाड़ी में, गाड़ी स्टॉप करके, he would just straight away go to one point. और वो वहीं जाके, like he would pee on the road. और मुझे इतना बुरा लगता था कि, like, because we all believe in hygiene and और साथ में अगर ये सैनिटाइजर देते हैं प्लीज इस्तेमाल करिएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो समझ जाएं कि भैया वर्जित है तो नहीं करना है। बिल्कुल सर, आप करते हैं मूत्र विसर्जन रोड पे, दीवार पे? हाँ, पहले करता था लेकिन अभी नहीं। जब से इन्होंने पिक्चर साइन की तब तक इन्होंने रोक लिया। हम लोग एकदम सुधर चुके हैं। सिद्धार्थ भाई आप ही बताओ, आप अलाउड ही नहीं है? खड़े तो पहले फोटो खींच जाएगी और आ जाएगी। बचपन में हर मर्द ने किया हुआ, मैंने कहा बहुत से लोग अभी भी करते हैं, जो गलत बात है भाई। एंड आई एम श्योर यहां पे जितने लाइक मैं ना स्टैंडिंग वो बताएंगे नहीं, या तो सब लोग मेरे पास भाई साहब का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं, नहीं तो अभी तक आ गया होता। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। एक्चुअली हम लोग जहां हरा देखते हैं ना वहां ज्यादा थोड़ा पीला करने की कोशिश करते हैं। आज नहीं भाई, तुम लोग तुम बचो, बच के रहो, इसलिए मैंने खुद हरा पहन लिया है। जो भी है भाई प्लीज ये सब मत करो, एनवायरनमेंट के लिए खराब है। और अच्छे अच्छे हर जगह टॉयलेट्स अच्छे बने हुए हैं, प्लीज इस्तेमाल करिए। और याद रखिएगा बहुत लोग अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, जैसे इन्होंने तोड़ा, बॉयफ्रेंड को निकाल फेंका जिंदगी से क्योंकि वो बंदा वही करता था। और मूत्र वर्जित है क्यों है ये देखने के लिए, ये सिनेमा आप लोगों को देखना पड़ेगा जब भी आएगा। बहुत जल्द आ रही है, इसके उसमें एक मैसेज। There's a beautiful message behind it, and of course, like you must watch Mutu Visarjan Varjit Hai for the message which has been given, and of course, it's a time traveler movie. Hazaar saal pehle kya hota hai, uske baad kya hota hai? My God, ye to nahi bolna. Isliye aapko movie dekhni padegi because ye nahi bolna. Spoiler nahi hai. Isi baat pe, Vinay bhai, aap bhi haath poch lijiye bhai. Please, please, ye aap rakhiye, please, rumal. Thank you. Lotaiyega bas. No, but thank you so much, Neeraj ji and Narendra ji for putting this thing together. And it's a wonderful project here, Shukrana Motion Pictures. Congratulations to the entire team. बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छा एक्टर है, ताली बजाइए मेरे लिए भाई। प्लीज टेक योर सीट ब्रदर। ये जो आ रहे हैं ना, जेन्युइनली बोल रहा हूं, इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। साथ में वेदिका नवानी। वेदिका जी कहां पे आप? हेलो वेदिका, ताली बजाइए सर, पार्टी इवेंट है, मजे करने हैं ये सब। हेलो वेदिका जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, वहां पे आपके बड़े भाई हितेन जी भी बैठे हुए, आशीर्वाद ले सकती है आप उनसे। आपकी बात कर रहा हूं सर। कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। यस एब्सोल्युटली। साथ में साची तिवारी। हेलो साची जी, कैसे हैं आप? दोस्तों इनके साथ अगर आप फोटो खिंचाएंगे
तो 10 मिलियन फॉलोअर्स आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। और साथ में सौद मंसूरी आइए। अरे बाबा तेरा मेरा कहना का कलर, क्या बात है, क्या बात है भाई। एक ही चलिए हम लोग सब गए भाड़े के कपड़े लेने के लिए। वही सर वही ना भाई, भाई तू कभी नहीं लौटाता कपड़े। तो ये रहे हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। माइक पकड़ लीजिए मैम, वो पीछे है, अच्छा है। तो ईमानदारी से बताइए, जेन्युइनली जैसे मूत्र विसर्जन है, सब लोग जो भाई लोग हैं हमारे, द बॉयज, कन्फेस करिए, अभी भी करते हैं आप रोड पे, बगीचे में, हाईवे में, बिल्डिंग के कोने में, सच्चे दिल से मेरे भाई बताइए आप। माइक चल रहा है भाई, डोंट वरी। नहीं माइक नहीं चल रहा है भाई। हेलो, हाँ लॉन्ग ड्राइव्स यू कांट स्किप दैट। तो लॉन्ग ड्राइव बड़ी गाड़ी में? नहीं नहीं हाईवे। अच्छा हाईवे, क्लैरिफाई करिए भाई। और तो हाईवे में, तो हाईवे में कभी कभार एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, जैसे मेरा ड्राइवर है ना, सच बोलता हूँ, लोनावला से मुंबई जब आता है या मुंबई से लोनावला, एक ही स्पॉट पे वो रोकता है और वहां पे हल्का हो जाता है वो। तो आपका कोई पर्टिकुलर स्पॉट है कि कहीं पे भी? अरे माइक में बोलो भाई, गर्व से नहीं बोलना है। नहीं है? नहीं नहीं नहीं। आप भाई बचपन में? हाँ अभी नहीं, पर भाई अभी भी आप बच्चे ही लगते हैं मुझे। नहीं नहीं सर, वो वाला 2 साल नहीं, ये छोटे वाले, ये छोटे के बचपन पे बात कर रहा है अभी। हाँ। अच्छा तो बचपन में आप करते थे? हाँ। कितने उम्र तक? अभी सर उतना तो याद नहीं, लेकिन बस इतना याद है बचपन में बहुत। हाँ, मतलब थोड़ा बचपन है ना, थोड़ा नहीं बहुत। पाजी आप ऐसे जैसे बात कर रहे जैसे आप इसके बगल में खड़े होते थे, सब ये करता था ये। हाँ, कमेंट्री मार रहे। अरे बोला ये उम्र था। अरे हुआ हुआ है। अच्छा पाजी आप अभी आ जाए तो क्या करेंगे भाई, कभी तो बड़ी थी। तो अभी भी आप करते हो रेगुलर? शर्म वाली कौन सी बात है। अच्छा ऐसा क्या, तुम्हारी कंडीशन नहीं, मैं हल्का होऊंगा। नहीं नहीं इतना, एक स्पॉट देख, एक स्पॉट देख के। पर अगर मानिए आप होते, जब मन लगा मैंने हल्का हो गया, आप ये कहते, मान के चलिए लिंकिंग रोड पे ट्रैफिक है, हल्का होने का मन है, तो फिर क्या? नहीं नहीं ना, लिंकिंग रोड पे कैसे करेंगे। अच्छा अब लेडीज, जब हमारे भाई लोग ये करते हैं, आपको अंदर से गुस्सा आता है, क्या फीलिंग आती है मैम? गुस्सा नहीं आता, I mean, just हाय सिद्धार्थ। आई कैन नॉट, बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। या बिकॉज़ वी ट्रेनिंग चुनाव। वेरी नाइस। आई थिंक यू प्लान्ड एंड केम लाइक व्हेन द थॉट्स वर जी, हमारी नजरें हमेशा आप पर। आज काफी हरी भरी बातें हो रही हैं, खेतों की, ग्रीनरी की। मुझे तो बहुत डर, टेंशन हो रहा था जब सर बोल रहे थे, मैं हरियाली देखता हूँ और वहां जाता हूँ, तो मुझे डर लग गया कि आज अभी उन्होंने बताया मेरे ऊपर। अभी सर ने बोला कि ब्रिंजल खाने की सब्जियां, मैं तो खाती वेजिटेबल्स तो मैं अभी आई एम हैविंग अ सेकंड थॉट नाउ। नहीं एक्चुअली यू नो लाइक आई एम बोर्न इन यूपी इन सहारनपुर, तो एज अ चाइल्ड सिद्धार्थ आई हैव सीन अ लॉट, मैंने रियल में देखा है लोगों को खेतों में जाते हुए, और क्योंकि उस टाइम पे इतनी सुविधा नहीं होती थी, आज भी लोग टूर्स पे जाते हैं, लाइक माय फादर लाइक ही इज अ बिजनेसमैन व्हेन ही गोज ऑन अ टूर, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि बाहर टॉयलेट्स आर नॉट अवेलेबल इवन टुडे इन यूपी, सो द फैसिलिटी इज स्टिल नॉट देयर। सो आई हैव सीन एज अ चाइल्ड पीपल देयर पीइंग ऑन द रोड्स व्हिच इज नॉट गुड, इट्स अनहाइजीनिक। तो आप खेतों पे अगर जाके पी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया फैलते हैं, उसी से आप वो ही खाना खा रहे हैं। हम लोग पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं बट हम एक्चुअली हाइजीन की बात नहीं करते हैं कि इसको वर्जित करना चाहिए। मेरा खुद का एक रिलेशनशिप था जो जिसमें आई वाज डेटिंग वन गाय लॉन्ग बैक, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, नाम ले लीजिए ना। नहीं मैं कसम खाता हूँ, भरोसा रखिए सारे दोस्तों पर, कोई नाम नहीं बोलेगा बाहर, कोई नहीं बोलेगा नाम। फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, वेरी big guy and very unfortunate that you know he would after parties he would just stop the car aur ek particular point pe jaake usko aa jati thi hai mani ruki gaadi ruka ya wo point dekha bhale aa rahi hai nahi aa rahi hai par wo jaate the wahan pe haan ji aur mujhe wo matlab itna bura lagta tha that after doing that wo haath bhi nahi dhote the so
I would carry my sanitizer because I have a big time OCD and I'm too much into hygiene. और ये particular reason रहा मेरे breakup का. तो budget है. तो माने एक इंसान को आपने निकाल डाला तो दो पॉइंट है यहाँ पे. एक तो वो दीवार देखकर उसी पॉइंट पे रोकते थे, आए नहीं आए पर अंदर से आवाज निकलती थी करो. पता नहीं उनको शायद किक मिलती थी कि मुझे रोड पे करना है, मुझे यहाँ पर आके करना है, मुझे वहां जाके करना है. तो ये कुछ लड़के ना लाइक जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी होते हैं मुंह पे विसर्जन करने के लिए. दिस स्टॉप द कार आफ्टर ड्रिंकिंग, दे वांट टू पी एंड दे पी एनीवेयर बट दे नॉट बॉस डिसगस्टिंग नहीं है लाइक व्हाटएवर दे सेड इट डज रियली मेक सेंस. तुम सबको आती है यू नो यू कांट कंट्रोल इट इवेंचुअली, तो करना ही पड़ता है यू नो एवरीवेयर बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाइजीन आई वुड से. या मैम आप, मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्राई टू कंट्रोल जितना हो सकता है, ट्राई टू कंट्रोल बिकॉज ऐसे कहीं पर भी खुले पे करना इज नाउ एक्चुअली वेरी वियर. और आई नो कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो समझ में आता है बट नॉर्मली अगर देखकर मन कर रहा है और जाने का मन कर रहा है तो फिर ऐसे मत करो, जस्ट कंट्रोल. तो बॉयज आपके पास 40 सेकंड्स है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, स्टार्टिंग विद यू ब्रदर. 40 सेकंड में जो मन में आया बोलो ऑन दिस विषय. तो अभी आप खुले में नहीं करने वाले. पर मैंने सुना हर दो दिन में आपको एक्सट्रीम सिचुएशन होता है. ये मार्केट का रिपोर्ट है. नहीं पर यहाँ पे बोल रही वापस पूछ रहा हूँ कितने भाइयों ने ये किया हुआ है पब्लिक, सच्चे दिल से हाथ उठाओ. देखिए मुझे वो छोटी कहानी की जो छोटे में मैंने किया है, सच्चे दिल से प्रोड्यूसर साहब आप ही आ जाता है सच्चे दिल से माने बिल्कुल सही. अच्छा आप बोलिए. जैसे कि इन्होंने कहा हाइजीन इम्पोर्टेंट है लेकिन आई थिंक जैसे सर ने कहा कि अभी सब जगह यू नो टॉयलेट्स आ चुके हैं, जो अभी मैं ऐसे ही बोलूंगा कि एकदम क्लीन है बट दे आर टू लाइक हम जा सकते हैं वहां पे. आई थिंक इट्स गुड. पाजी जब सब कह रहे हैं हाइजीन है तो है हाइजीन. भाई तुम कन्विंसिंग नहीं लग रहे हो मुझे. तुम ऐसे लगते हो आदमी हो जो मुझे लग रहा है देख रहे हो तुम. मैं तुम पहले जो बोल रहे थे मैं कभी कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, मैं ये वो अब तो पूरा पकड़ दिया पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर. अच्छा है अगर तुम सुधरे हो. सुधर गया मैं वैसे भी था सुधरा हुआ बट जब हो जाता एक्सट्रीम तो फिर नहीं होती. बजट है दी एंटायर टीम शूटिंग टॉर्चर शुरू होने वाली है. आगे बढ़ने से पहले हमारे जो लीड है सत्यजीत दुबे वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है बट उन्होंने एक वीडियो भेजा है ताकि हम लोग उनसे बात कर सके एंड ही इज सो एक्साइटेड अबाउट दिस. सो वीडियो दिखाया जाए प्लीज. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सबसे पहले तो मैं तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन पाया. मैंने पूरी कोशिश की, मैं मुंबई से कुछ दूर पाई है जगह वहाँ पे शूट करना हूँ फिलहाल और फट से मैंने 10 मिनट निकाल कर मैंने कहा कि बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं आप लोगों से माफ़ी मांगूँ और आप लोगों को बताऊँ कि बहुत खुशी की बात कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम है मूत्र विसर्जन बजट है एंड इसे बना रहे हैं शुक्राना मोशन पिक्चर्स. इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ, आई एम द लीड इन दिस फिल्म. एंड कुछ 10-15 दिन पहले जब मेरी डायरेक्टर साहब और मेरे प्रोड्यूसर नीरज जी और सुनील जी से मुलाकात हुई और जब मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे लगा कि अगर मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा तो आई विल मिस अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स व्हाई आई सेड यस. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सुनील नीरज एंड आई रियली कांट वेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग टीम एंड सेट एंड स्टार्ट फिल्मिंग. And we need your best wishes, we need your love, we need all the good energies. So, बहुत जल्दी आप लोगों से face to face मुलाकात होगी. To all my media friends, thank you so much for your support. And I really wish I was there, but nevertheless, thank you so much. Message: The India story is now being praised by the world. Can I request the producers and the team to unveil it? Ready? 1, 2, 3, lights, camera, action!
वर्जित वर्जित है। तालियों की गूंज एवरीबॉडी। इंडिया स्टोरी, इंडिया मूवमेंट, वाओ। और मैं चाहता हूं कि हम लुक द कैरेक्टर। इट्स अ ग्रेट जॉब, वेल डन सर, वेल डन सर। सिद्धार्थ भाई, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, राजेश जी का, जिन्होंने मुझे कास्ट करवाया, और हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे डायरेक्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे आप लोगों ने आमदनी अठनी खर्चा रुपया गलिया तैयार किया, ऐसी कई हिंदी फिल्मों में देखा कॉमेडी करते हुए या रोमांटिक हीरो। भोजपुरी में तो मैं 60-70 फिल्में किया, हीरो ही करता रहा, लेकिन इसमें मेरा कुछ ऐसा रोल है जो कोई सोच ही नहीं सकता और मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। मतलब ऐसा चैलेंजिंग रोल मुझे मिला है कि मैं मना ही नहीं कर पाया, और मेरे लिए मुझे फिर से डर लग रहा है थोड़ा कि इतना चैलेंजिंग है, कमाल हो जाएगा, और इतना भरोसा रखने के लिए मैं उस टीम का, मेरे प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का धन्यवाद करता हूँ, राजेश दिया का। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है? लास्ट टू क्वेश्चंस। यस मैम। It's going to come to the theaters very soon. As I said, Indian roots, Indian stories. The world is looking at India with pride. This is a true Indian film, ladies and gentlemen. What a cast. Great actors. Content, Bedreen. Content is king and queen. And here you will know here. Thank you so much, everybody. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।